नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कल। आम आदमी पार्टी के सिवनी जिला अध्यक्ष के भाजपा में शामिल होने की झूठी खबर फैलाई थी, जिसका आम आदमी पार्टी सिवनी जिला अध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा ने खंडन किया। साथ ही कहा कि मैंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया और ना ही भाजपा ज्वाइन की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पूरे प्रदेश में झूठ फैलाया है। आपके जिला अध्यक्ष दुर्गेश विश्वकर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वीडी शर्मा के दावों को झूठा बताया तथा कहा कि मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मिल रहे जन समर्थन और बढ़ रही ताकत से भाजपा बौखलाई है। मैं बीडी शर्मा को बताना चाहता हूं कि सिवनी जिले में आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष हूं, मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है और मैं आम आदमी पार्टी का आज भी वफादार सिपाही हूं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा आपकी सिवनी जिला अध्यक्ष द्वारा इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन करने की झूठी खबर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरे मध्य प्रदेश में फैलाई गई है, जिससे मेरी समाज में एवं पार्टी में छवि खराब हुई है और मानहानि हुई है। उक्त खबर से मैं आहत हुआ हूं। झूठी खबर फैलाने वाले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, आप जिला अध्यक्ष सिवनी के इस्तीफे की खबर का खंडन करें, साथ ही जनता के सामने कबूल करें कि आपके सिवनी जिला अध्यक्ष ने भाजपा ज्वाइन नहीं की है। बीडी शर्मा ने कहा कि उनके नाम पर भ्रम फैलाया है। अगर बीडी शर्मा माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ सिविल एवं दंडिक मानहानि का मामला पेश किया जाएगा। दुर्गेश भाई, ये प्रचार हो रहा है कि सिवनी के जो आपके अध्यक्ष हैं आप पार्टी के, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, इस मामले में आपको पूरा क्या कहना है? अभी वर्तमान में वीडी शर्मा और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जो हैं, उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनके द्वारा कहा गया कि सिवनी जिले के जो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे के भाजपा ज्वाइन कर ली। इस तरीके से अनर्गल बातें, झूठी बातें पूरे प्रदेश में फैला रहे हैं, जबकि मैं आम आदमी पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ, मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है, फिर भी ये जो है पूरे मध्य प्रदेश में इस बात को फैला रहे हैं कि सिवनी जिलाध्यक्ष जो है आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कारवा बढ़ रहा है, उससे ये बौखलाहट है और ये अनर्गल बातें कर रहे हैं। और उन्होंने बोला कि 5 जिलाध्यक्ष ने जो है इस्तीफा दिया है, बालाघाट जिलाध्यक्ष ने भी इस्तीफा नहीं दिया, दमोह जिलाध्यक्ष ने भी इस्तीफा नहीं दिया, आम आदमी पार्टी के किसी जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा नहीं दिया है, फिर भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष झूठ फैला रहे हैं। अब आपका जो प्रयास हो रहा है तो उस मामले में आप क्या कार्रवाई करेंगे? इसमें हम मानहानि का मामला वीडी शर्मा के खिलाफ में ले आएंगे और उसमें क्रिमिनल और सिविल दोनों मामले उनके खिलाफ पेश करेंगे। इससे हमारी मानहानि हुई है, मुझे आम आदमी पार्टी का क्रांतिकारी सिपाही मानते हैं सभी साथी, पूरे प्रदेश में लोग जानते हैं और वो जानते हैं कि वो इस विचारधारा के व्यक्ति, आम आदमी पार्टी के विचारधारा के व्यक्ति हैं। जब से लोगों को पता चला है, इस तरीके से झूठ पता चला है कि मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में चले गए, जो मेरी विचारधारा नहीं है उसकी, वहाँ चले गया है, तब से लोग मुझे गलत नज़रों से देखने लगे हैं, मेरे प्रति उनका नज़रिया बदल गया है, तो मैं बहुत क्षोभकारी महसूस कर रहा हूँ अपने आप में। तो इस तरीके से जिस तरीके से उनके द्वारा अनर्गल फैलाया वो बहुत निंदनीय है, वो या तो माफ़ी मांगे नहीं तो उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करें। आप इससे क्या समझेंगे कि आप पार्टी की जो यहाँ पे पॉपुलरिटी बढ़ रही है उससे छुपदो किस टाइप की हरकत कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, उनके द्वारा ये हरकतें जो है वो आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से कारवा बढ़ रहा है, पॉपुलरिटी बढ़ रही है प्रदेश में, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का माहौल बढ़ रहा है, उसी से छुप धो के इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके द्वारा की गई, जिसमें भाजपा के प्रदेश महामंत्री और केंद्रीय मंत्री जो प्रहलाद पटेल और भाजपा के जिलाध्यक्ष के द्वारा इस तरीके से कॉन्फ्रेंस